तो देख सकते हैं दोस्तों कि जो फोटो हमने डिलीट कर दिया था, अभी आप सभी के सामने वही फोटो हमारा यहाँ पे वापस से हमारे गैलरी के अंदर आ चुका है। अभी मैंने 7 फोटो को सेलेक्ट कर लिया और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑप्शन है डिलीट का। तो अगर मैं डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ऑप्शन है मूव टू रिसाइकल बिन, तो ये अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये फोटो मेरा यहाँ से सिर्फ डिलीट हुआ है। देख सकते हैं कि सिर्फ ये मेरा फोटो यहीं से डिलीट हुआ है। मेरा जो फोटो है अभी भी मेरे फोन के अंदर है, और आप सभी का भी फोटो कोई भी डिलीट हो जाता है तो वो आपके फोन के अंदर रहता है 30 से लेकर 60 दिनों तक। और कुछ लोग होते क्या है कि डिलीट हुई फोटो को रिकवर नहीं कर पाते हैं और वो फोटो हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। तो आज मैं आप सभी को एक नहीं दो तरीका बताऊंगा जिससे कि आप सभी अपने डिलीट किए हुए फोटोज को वापस रिकवर कर सकते हैं और उन्हें अपने गैलरी में वापस से ला सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप सभी को अपने फ़ोन के अंदर जो भी गैलरी एप्लीकेशन है, देख सकते हैं कि मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है, तो इस फ़ोन के अंदर जो गैलरी वाला एप्लीकेशन है वो ये है। मैंने इसको ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद यहां पे आप सभी को ये जो 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। आप सभी वेट कीजिएगा दोस्तों, आपके फोन के अंदर जो भी गैलरी का एप्लीकेशन होगा उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं यहां पे सैमसंग वाला बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज आप सभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहां पे आपको एक 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहां पे आपको रिसाइकल बिन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 3, 3, 6 और 1, 7 यही फोटो को मैंने अभी आप सभी के सामने डिलीट किया था, ठीक है। तो वो फोटो यहाँ पे आकर रुक चुका है। और मैंने अभी आपको क्या कहा था कि जो फोटो आप सभी ने डिलीट कर दिया है अपने गैलरी से वो आपका 30 दिनों तक आपके फोन के अंदर ही रहता है। जैसा क्वालिटी में आपने डिलीट किया था वही क्वालिटी में आपके फ़ोन के अंदर ही रहता है 30 दिनों तक। और 30 दिन के अंदर आपने उस फोटो को रिकवर कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो वो फोटो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा और आप उसे चाहकर भी वापस नहीं ला सकते हैं। तो देखिए, हमने ये काम 30 दिन से पहले ही कर लिया। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ और भी फोटोज हैं, ठीक है, उनको भी मैंने डिलीट किया हुआ है तो उन्हें भी मैं चाहूं तो रिकवर कर सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं कि इन फोटो को सेलेक्ट करता हूं। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे जो जो फोटो को आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका वापस से गैलरी के अंदर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इन 3 फोटो को भी और सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रीस्टोर का, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने रीस्टोर पे क्लिक किया तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 11 फोटो जो है वो वापस से मेरे गैलरी के अंदर जा चुका है। तो अब मैं अगर बैक करूँगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पर रिसेंट में मेरा जो फोटो डिलीट हुआ था वो यहाँ पर आ चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जो फोटो हमने डिलीट कर दिया था अभी आप सभी के सामने वही फोटो हमारा यहां पे वापस से हमारे गैलरी के अंदर आ चुका है। तो यही तरीका है जिससे कि आप सभी डिलीट की हुई फोटो को वापस अपने गैलरी में ला सकते हैं। दोस्तों, मैं अब आपको दूसरा तरीका बताता हूं, वो आप सभी के फोन के अंदर रहता ही रहता है और वो है आपका गूगल फोटोज। देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पे ये जो फोटोज एप्लीकेशन है इससे भी आपका फोटो अगर डिलीट हो चुका है तो उसे भी आप वापस ला सकते हैं। तो आपको फोटोज एप्लीकेशन को ओपन करना है और मान लीजिए कि आपने यहां से भी कोई फोटो को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि वही सेम फोटो को यहां से अब डिलीट करता हूं। पहले तो मैं वहां से डिलीट किया, अब मैं यहां से डिलीट करता हूं। तो देख सकते हैं कि मैंने यहां पर 12 फोटो को सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि डिलीट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहां पे मैं क्या करता हूं अलाउ के ऊपर क्लिक करता हूं और देखिए कि मेरा ये जो फोटो है वो डिलीट हो चुका है। देख सकते हैं कि मेरा जो 12 फोटो था वो अब यहां पे नहीं दिख रहा है। तो ये फोटो मेरा गया कहां,
तो ये फोटो आप सभी के फोन के अंदर ही है, आपको बस वो काम करने नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर आपके फोन के अंदर भी कोई भी फोटो इसी तरीके से डिलीट हो चुका है तो यहाँ पे आप उसे वापस ला सकते हैं अपने गैलरी में। लेकिन कैसे, तो उसके लिए आपको अपने फोन के अंदर ये जो गूगल फोटोज एप्लीकेशन है इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बीन का, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और देख सकते हैं कि अभी मैंने आप सभी के सामने जो फोटो डिलीट किया हूँ वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैंने 12 फोटो टोटल डिलीट किए थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है कि यहाँ से भी आपका ये फोटो 60 दिनों के बाद डिलीट हो जाएगा, तो उससे पहले आप इन फोटोज को रिकवर कर लीजिए। तो कैसे करना है रिकवर, तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए और इन फोटो को आप एक एक करके सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे 12 फोटो डिलीट किया था, देखिए मैं यहाँ पे 12 फोटो डिलीट किया था और मैंने यहाँ पे 12 फोटो को सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है रिस्टोर का, तो यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है और ये फोटो यहाँ से हटकर आपके वापस से गैलरी में शिफ्ट हो चुका है। तो ये देखिए मैं फोटोज ऐप के अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जहाँ से मैंने फोटो को डिलीट किया था वहीं पर मेरा वापस आ चुका है। तो दोस्तों यही तरीका है जिससे कि आप सभी अपने फोन से डिलीट किए हुए फोटोज को वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ आपके गैलरी से डिलीट किए हुए फोटोज, अगर आप गूगल फोटोज से रिकवर करना चाहते हो तो यहीं से जो फोटो डिलीट हुआ होगा वो यहां से रिकवर होगा। अगर आप इससे रिकवर करना चाहते हो तो इसी से अगर कोई फोटो डिलीट हुआ होगा तो उसे ही आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि ये तरीका फाइल मैनेजर के लिए काम करेगा तो नहीं काम करेगा, उसके लिए कोई अलग तरीका है, तो जिसका वीडियो मैं यहां पे आपको आई बटन पे लगा दूंगा और वहां से आप उसे देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को अभी तक ऑन नहीं किए होंगे तो उसे भी आप ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।